सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन ठक्कर और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कावासाकी निंजा 300 के बारे में। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पूरा इसका डिस्क देखेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और इसके राइडिंग क्वालिटी वगैरह कैसी है। और फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने में छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डेली बेसिस पर ला देता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइनिंग लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टैप करते हो सही सीधा ज्वाइन हो जाओगे। और वहाँ पे मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वहाँ से भी मुझे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर बात करूँ कावासाकी निंजा 300 की, तो फ्रेंड्स ये जो बाइक है कावासाकी ने लॉन्च की थी 2012 में। और फ्रेंड्स तब के टाइम पे ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक या फिर सुपर बाइक्स नहीं रहा करती थी और लोकल रोड्स पे तो ये ज़्यादा आसानी से दिखती भी नहीं थी। तो तब के टाइम पे जो निंजा 300 है काफ़ी फेमस थी बाइक। और मुझे आज भी याद है कि मेरे एक स्कूल के टाइम के, मतलब जब मैं स्कूल में था तब मेरे एक स्कूल के सामने एक शॉप थी, तो वहाँ पे ये बाइक रहा करती थी। और जो तब का मॉडल था 2012 का और आज का जो मॉडल है 2018 का, तो ये मॉडल जो है पूरा चेंज हो चुका है। आपको पूरा 2018 की इसमें पूरा नया डिज़ाइन मिलता है और उसके बाद मार्केट्स में काफ़ी नए बाइक्स भी आ गए। तो उसी को ध्यान में रखते कावासाकी ने जो है अपने बाइक को थोड़ा सा जो लुक है ये फ्रेश लुक दे दिया और थोड़ा सा उसको रिनोवेट करते गए। तो फ्रेंड्स अभी बात करूँ 2018 के मॉडल की, तो फ्रेंड्स ये जो मॉडल आता है पूरा आपको फुल्ली फेड में आता है और पूरा स्पोर्ट्स बाइक जैसे इसका लुक है। और इसका जो फ्रेंड्स सीटिंग पोजीशन है ये ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है और कंफर्टेबल बोल सकता हूँ मैं इसको। बाकी अगर आप देखते हो तो जो बाकी स्पोर्ट्स बाइक है उसका सीटिंग पोजीशन जो है पूरा एग्रेसिव रहता है, तो ये बाइक में वो केस नहीं है आपको, मतलब आप इसको आराम से लॉन्ग राइड तक कर सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो कावासाकी है अपने बाइक्स पे ड्यूअल कलर स्कीम देते हैं, जैसे कि अभी ये बाइक में आप देख सकते हो कि नियॉन और ब्लैक कलर का है। तो ये स्कीम आपको कावासाकी मोस्ट बाइक्स में, आपको मेजर बाइक्स में सब ये देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आप आसानी से बाइक को पहचान लेते हो कि ये कावासाकी कंपनी का बाइक है, क्योंकि अगर ये स्कीम दिखता है तो बाइक्स जो है आराम से आइडेंटिकल हो जाती है। तो फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिज़ाइन मैं ये बोल सकता हूँ कि बाइक काफ़ी अच्छी है और ये बाइक को एक आई कैची लुक है, मतलब जब आप बाइक जो है रोड पे चलाते हो तो आपको बहुत से लोग एक बार नोटिस करते हैं और एक ना एक बार ये लोग बाइक की तरफ ज़रूर देखते हैं, तो बाइक को काफ़ी अच्छा लुक दिया है। और फ्रेंड्स इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको डिजिटल और एनालॉग मिक्स मिलता है। यहाँ पे जो आरपीएम मीटर है ये आपको एनालॉग मिलता है, जो स्पीडोमीटर है ये डिजिटल में। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सभी नेसेसरी डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज एट्सेट्रा। और फ्रेंड्स अगर इसके इंजन की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको 298cc लिक्विड कूल फोर स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करता है 38 BHP एट 11,000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करता है 27 Nm एट 10,000 RPM। तो फ्रेंड्स इसका जो पावर है ये काफ़ी अच्छा है 300cc के हिसाब से, और पावर वगैरह इंजन वगैरह काफ़ी अच्छा है। और एक 300cc के हिसाब से तो 38 BHP पावर बहुत बड़े हो गया, तो पावर और टॉर्क के फिगर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स अगर ब्रेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट में सिंगल 290mm पेटल डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में 220mm पेटल डिस्क ब्रेक। और फ्रेंड्स सैडली यहाँ पे आपको ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है। और फ्रेंड्स अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में 37mm टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं और रियर में बॉटन लिंक यूनिट रैक विद गैस चार्ज सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि 5-way एडजस्टेबल है। और फ्रेंड्स इसके टॉप स्पीड की बात की जाए तो कंपनी इसका टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर का क्लेम करती है। ये मैंने टेस्ट नहीं किया है लेकिन कंपनी क्लेम करती है, और कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 100 ये 6.73 सेकंड्स में जाएगा। और फ्रेंड्स अभी अगर इसके माइलेज एफिशिएंसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसका सिटी के अंदर माइलेज 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर का है और हाईवेज पर 25 के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी अगर बात की जाए कि बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है ये आपको एक्स शोरूम प्राइस है 3,60,000 rupees और ऑन रोड ये 3,85,000 तक गिर सकता है आपको, या 3,82,000। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि बाइक जो ये काफ़ी ओवर प्राइज्ड है,
क्योंकि अगर आप देखो तो आप इसे 1 लाख सस्ते में, मतलब अगर आप सिर्फ 3 लाख रुपये स्पेंड करते हो तो आपको KTM RC390 आ जाएगी, जिसके अंदर आपको इससे ज़्यादा इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है आपको इससे ज़्यादा है, साथ ही साथ इससे पावर ज़्यादा आपको मिलने वाला है। KTM 390 आपको में 373 cc का इंजन मिलता है और 43 bhp का पावर मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको KTM RC में ड्यूअल चैनल ABS मिलते हैं, जो कि आपको इसके अंदर सिंगल चैनल ABS भी देखने को नहीं मिलता है। बट नेवरदलेस हर एक बाइक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। KTM RC 390 में आपको हीटिंग इशू मिलने वाला है, ओवर हीट ज़्यादा होता है, इसके अंदर आपको हीटिंग इशू नहीं रहेगा, और परफॉर्मेंस वाइज जो है इसका राइडिंग क्वालिटी वगैरह स्मूथ है। हालांकि KTM RC 390 जो ट्रैक फोकस्ड बाइक है, तो ये अपने अपने चॉइस और बजट पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स आज की छोड़ के लेते ही, और फ्रेंड्स जो लोग पुणे में रहते हैं उनके लिए एक चीज़ बता दूँ कि इस बाइक के अंदर अभी फिलहाल 50,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट चालू है, तो अगर आप परचेस करते हो तो आपको 50,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। शोरूम का जो नंबर है और जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स फिलहाल आज इस वीडियो इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो रिव्यू कैसा लगा है। और फ्रेंड्स अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स वगैरह पोस्ट करता हूँ, तो इंस्टाग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।